अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर फॉर एवर। पिछली दफ़ा मेरा व्लॉगिंग अटेम्प्ट कुछ ज़्यादा ही फेल हो गया था, क्योंकि मुझसे व्लॉग हो ही नहीं पा रहा था, बिकॉज वी हैड सो मेनी ऑर्डर्स और हम लोग पूरा दिन वही लगे रहते थे कि मैं सोचती थी या तो मैं भूल जाती थी व्लॉग करना, या तो मैं सोचती थी कि हम पूरा दिन एक ही चीज़ कर रहे होते हैं तो मैं क्या ही व्लॉग करके नया दिखा दूँ। तो खैर, अब जो है हम एक ऐसे स्टेज पर पहुँचे हैं जहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स डिस्पैच कर चुके हैं आज, एंड फाइनली कुछ मी टाइम मिलने को मिल रहा है। तो आज जो है ज़ैनब से मैं मिल रही हूँ, बिकॉज़ उसकी बर्थडे थी और मैं इतना बिजी थी लॉन्च में कि मैं उसकी बर्थडे, उसके साथ हम लोग नॉर्मली हमेशा अपनी बर्थडेज पे एक दूसरे को लंच पे लेके जाते हैं एंड वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर, एंड आई रियली रियली मिस हर एंड आई हैवन गॉटन टू स्पेंड एनी टाइम विद हर सिंस सो लॉन्ग। मतलब लाइक आई डोंट थिंक हम लोग कभी भी इतना अरसा गए विदाउट मीटिंग ईच अदर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इस्लामाबाद में जो है एक नया रेस्टोरेंट खुला है फंगाई के नाम से, जहाँ पे जो है हैंडमेड पास्ता होता है, तो हम दोनों को पास्ता बड़ा पसंद है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दैट आउट। तो मैं जो हूँ उसको वहाँ लेके जा उसकी बर्थडे के लिए, बट उससे पहले जो है मुझे उसके लिए एक प्रेजेंट लेना है, उसका भी टाइम नहीं मिला, और केक लेना है और फ्लावर्स लेने हैं, और 4 बजे पहुंचना है उससे मिलने के लिए, और आई थिंक 2:30 तो बज चुके हैं, और अभी मुझे नहा धो के तैयार भी होना है। सो एज यूजुअल लेट लतीफ़, आई डोंट हैव मच टाइम, तो जल्दी से तैयार होते हैं और पूरा दिन आप लोगों को घुमाते हैं, आप लोगों को ब्लिसफुल वेयर हाउस की भी करंट सिचुएशन दिखाएंगे, क्या चल रहा है, हमारा सिस्टम कैसे स्ट्रीमलाइन हुआ है ये भी दिखाते हैं। गाइस, मैं तैयार हो ही नहीं हूँ, मतलब अभी नहा लिया मैंने, एंड मैंने जो है ये एथनिक का वाइट आउटफिट पहना हुआ जो मुझे मम्मा ने दिलाया था कराची से। मैंने उस वक्त मीडियम ले लिया था, बट क्योंकि इसके चाक जो है वो थोड़े लो थे एंड मेरी जो है लोअर बॉडी काफ़ी हैवी है, तो वो मुझे थोड़ा फंस गया था, तो अभी मम्मा ने जो है चेंज करा के लार्ज लिया, सो दिस इज़ अ लार्ज। एंड अभी जो है मैं ज़रा बालों पे अपने थोड़ा सा प्राइमर लगाती हूँ, बिकॉज़ आज मैंने डाइसन कर्ल्स करने हैं, और फिर जो है मैं स्किन केयर और मेकअप करती हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी सी फॉलोअर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ हमें दिखाएं हाउ डज फाउंडेशन सिट ऑन टॉप ऑफ योर सनस्क्रीन एंड मेकअप, तो वो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ साथ साथ। सबसे पहले हम लगाएंगे जीसो का प्रोपोलिस इन्फ्यूज्ड पॉलिशिंग प्राइमर, और इसका जो है हम लोग बस एक इतना सा अमाउंट लेंगे। अब हम लोग जो हैं सबसे पहले लगाएंगे विटामिन सी ब्लिसफुल का। अच्छा गाइस, सो आई नो कि जब तक मेरी वीडियो लगी ब्लिसफुल के लॉन्च वाली, तब तक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वर सोल्ड आउट, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा रिस्पॉन्स, एंड ऑनेस्टली वी हैड अ लॉट ऑफ पीसेज, हमें लग रहा था कि वो सफिशेंट होंगे, बट फॉर्चुनेटली वो नहीं थे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के एंड तक वी आर रीस्टॉकिंग, होपफुली इफ ऑल गोज वेल। और इस दफ़ा जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रीस्टॉक करने से पहले ही बता दूंगी कि कल रीस्टॉक होने वाला है, सब तैयार रहें। इसको जो है अब थोड़ा अब्जॉर्ब होने देंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे। चल जी, अब हमारा विटामिन सी जो है अब्जॉर्ब हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा डैम्प करेंगे मुंह। ये जो है लारोश पोसे का थर्मल स्प्रिंग वाटर, ऑनेस्टली यू डोंट नीड इट, ओके वाह, यू कैन जस्ट यूज रोज वाटर, या आप सिंक के पानी से भी जाके हल्का सा डैप कर सकते हैं, डैम्प कर सकते हैं अपना मुंह, या तो कोई या तो आप लिटरली एक स्प्रे बॉटल में मिनरल वाटर भी भर के यूज कर सकते हैं। इस पर हम डैम स्किन पे लगा रहे हैं हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमेशा हम लोग लगाएंगे डैम स्किन पे, नेवर ऑन ड्राई स्किन। एसिड जो है मैं हमेशा हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेकअप वाली रूटीन में तो ज़रूर लगाऊं, बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है, तो मेरी जो फाउंडेशन क्रैक हो जाती है ड्राइनेस की वजह से वो नहीं होती जब मैं हाइलुरोनिक एसिड लगाऊं, अच्छी सी हाइड्रेट रहती है। एंड ईदर वे आई रियली रियली लाइक हाइलुरोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट, बिकॉज फाइन लाइन्स, रिंकल्स, स्ट्रेच मार्क्स सब कुछ जो है प्लम्प हाइड्रेट स्किन को बहुत अच्छे से करती है, सो फॉर माई ड्राई स्किन इट्स अ लाइफ सेवर। इसको ड्राई होने देंगे फिर हम सनस्क्रीन लगाएंगे। हाइलुरोनिक एसिड जो है हमारा ड्राई हो गया है, अब हम लोग लगाएंगे सनस्क्रीन 2 finger lengths। ठीक है जी, ये हमारी सनस्क्रीन हो गई है। अब हम लोग जो है मैं आपको इस पर मेकअप लगा के दिखाती हूँ कि
मेकअप जो है कैसा लगता है सनस्क्रीन के ऊपर। जी फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ जॉर्जियो अरमानी की ल्यूमिनस सिल्क इन द शेड 4.5। मेकअप जो है लाइक फाउंडेशन लगाने का मेरा प्लान नहीं था, नॉर्मली आई जस्ट डू क्या कहते हैं फेस पाउडर सनस्क्रीन के ऊपर, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ सिर्फ। ये जी फाउंडेशन हो गई है मेरी। हम लगाते हैं ब्रॉन्जर एंड ब्लश ऑन। बड़ा ही बुरा मैंने लगाया है ब्रॉन्जर जगह पे, बट इट्स ओके। ये ब्रॉन्जर वाला जो काम है ना ये मुझसे कभी भी नहीं होता। मेरी अम्मा अगर अभी देख लेना मुझे ये अपनी सड़ी हुई कॉन्टोरिंग करते हुए, द मुआ इन हर वुड डाई ऑफ एम्बैरेसमेंट। हम लोग लगाते हैं ब्लश ऑन, ये है रेयर ब्यूटी का इनकरेज। हमारा बी ब्लश ऑन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो लगाएंगे। हम लोग फेस पाउडर लगाएंगे, ये है शार्लेट टिलबरी का फ्लॉलेस एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश पाउडर। स्केरा हो गया है। अब हम लोग करते हैं जल्दी से ब्राउज। आईब्रोज मुझे बनवानी भी हैं मंडे से पहले, बिकॉज मंडे इज कुछ स्पेशल, वो आप लोगों को मंडे को ही बताएंगे। अगर आप लोगों को गेस करना है तो गेस कर ले, देखते हैं। इसलिए हमारे ब्राउज हो गए, अब लिपस्टिक लगाते हैं। मुझे जो है ना वाइट के साथ रेड लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक है, बट अभी ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही, सो आई जस्ट गो विद दिस। ये हुदा ब्यूटी का है बॉम्बशेल। हमारी लिपस्टिक हो गई है एंड हमारा मेकअप हो गया है, बस अब सेटिंग स्प्रे रह गया है तो वो लगाते हैं एंड वी आर डन। लेट्स मूव ऑन टू आवर हेयर। डाइसन से पानी होता है? पानी नहीं होता सेटिंग स्प्रे में, देखो होता है। और इसको मैं डाइसन से सुखाती हूँ जल्दी से। सो दिस इज आवर मेकअप डन। अब हम लोग चलते हैं बालों की तरफ। अच्छा जी, ये हमारे बाल हो गए हैं। अब मैं जो हूँ इसमें एक वाइड टूथ कॉम जो है ये करूँगी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका डाइसन जो है खुल जाता है, मैं इतने टाइट कर्ल्स करना चाहती नहीं हूँ। आई वॉन्ट अ वेरी ब्लो ड्राई टाइप लुक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्ल्स इसी तरीके से टाइट रहें तो इस पॉइंट पे हेयर स्प्रे करें। मैं जो हूँ खोलने के बाद हेयर स्प्रे करती हूँ, बिकॉज दैट इज़ द लुक आई वॉन्ट, नॉट दिस। पॉइंट पे हेयर स्प्रे करूंगी बिकॉज दिस इज द लुक आई वॉन्ट। हेयर स्प्रे मैं यूज करती हूँ अमीका का टचेबल हेयर स्प्रे। ये जो है बिल्कुल भी बालों को कड़क नहीं करता। ठीक है जी, वी आर डन। चले जी, आई एम ऑल सेट।
टू लीव, सबसे पहले जो है जैनब का गिफ्ट लेते हैं जाके, जो मैंने सिल्वर की दुकान दिखाई थी जो जैनब ने मुझे एक्सप्लोर कराई थी, वहाँ से आई थॉट आई गेट हर नाइस पेयर ऑफ इयररिंग्स। और ये देखें प्रॉपर लाइट में, दिस इज व्हाट द मेकअप फाउंडेशन लुक्स लाइक ऑन टॉप ऑफ सनस्क्रीन। सो यू विल सी कि कोई पैचीनेस, कोई केकीनेस कुछ भी नहीं है, और जो ड्राई पैचेस होते हैं जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है वो भी बिल्कुल नहीं है। आ गए हम लोग F7 में ओरिएंटल क्राफ्ट्स द सिल्वर शॉप। ये वाले इयररिंग्स हैं जो मैं सिर्फ जैनब के लिए कुछ लेना चाहती हूँ, एंड आई रियली लाइक दीज वंस। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई रियली लाइक सम ऑफ दीज टू, देखते हैं मेबी आई गेट टू, बट लेने मुझे इसी में से मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ था। अच्छा जी, सो एक जो है आई एम गेटिंग दीज वंस, एक ये जो हैं थोड़े फॉर्मल में जो हैं, ये वाले होपफुली शी लाइक्स देम, बट इफ शी डजंट शी कैन ऑलवेज कम एंड गेट देम चेंज्ड। ये दोनों हो गए हैं कपड़े जो हैं, एंड दीज आर द अदर वंस। सेवन वाली फ्लावर मार्केट में आ गए हैं। आई रियली वॉन्टेड टू गेट हर लिलीज, लेकिन लिलीज हैं वो कैट्स के लिए टॉक्सिक होती हैं, उसके पास कुछ ज़्यादा ही बिल्ली हैं, तो मैंने जो है क्रिसैंथेमम्स लिए हैं। ये भाई जैनब के फ्लावर्स हो गए हैं, नाउ लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट। प्रूव्स ऑफ हर प्रेजेंट नंबर वन, इतना ज्यादा कि शी इज वेयरिंग देम राइट नाउ। हम लोग जो है भाई ब्रू की टेरेस में आके बैठे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कम अपस्टेयर्स, इट्स सो नाइस, मौसम भी अच्छा हो रहा है। हमारा खाना आ गया है, एंड आई ऑर्डर्ड माई फेवरेट चिकन ऑन द रन सैंडविच। दिस माई फेवरेट पास्ता, एंड ज़ैनब ऑर्डर्ड दिस। मुझे ये खाने का दिल चाह रहा था, ऑलरेडी हैड इट विद मामा यस्टरडे, दैट्स व्हाई आई डिडन्ट ऑर्डर इट। गाइस हम लोग कहीं जा रहे थे एंड ये नबीलास के बाहर बंदर बैठ के खाना शमीज पहनी हुई और ये बड़ी ही गर्मी लग रही है, जाके जरा मुझे काम है, कुछ कम्प्लेन्स है उनको एड्रेस करना है और रेक्टिफाई करके जो है करना है, क्योंकि मंडे को जो है हम बिजी होंगे थोड़ा सा, तो वो हो गया। दूसरा जो है मैं जिस पास्ता प्लेस के बारे में बताया था, हम वहाँ इसलिए नहीं गए बिकॉज दैट आई फाउंड आउट कि इज़ ओन्ड बाय डॉक्टर राना। डॉक्टर राना इज़ द वेट दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिस्किट्स डेथ, तो मैं उनकी इनकम जो है किसी तरीके से फैसिलिटेट नहीं करना चाहती थी। रस्टिक और ये नया रेस्टोरेंट जो है दोनों आर ओन्ड बाय हिम, एंड क्या हुआ, आई नो वी हैवंट टॉक्ड अबाउट क्या हुआ था एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बिकॉज लाइक आई सेड कि हम चाहते थे कि हम पूरी तरीके से हील हो जाएं, जो कि आई डोंट थिंक हम स्टिल हुए, बट वी आर स्टिल इन अ बेटर प्लेस। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वंस दिस ऑल ऑफ दिस सेटल्स डाउन एंड वी आर मोर हैव अ मोर फ्री माइंड, तो हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे कि हुआ क्या था इंशाल्लाह। चलिए जी गाइस, काफ़ी सारे ऑफिस के काम शाम करके जो है अब हम लोग जरा आए हैं थोड़े मी टाइम के लिए। गाइस सीन ये था कि ये भूल गई थी कि ये व्लॉग कर रही हैं, मैंने इनको याद कराया, मैंने कहा यार मैं तो बना नहीं रहा, ये तो बना रही थी वीडियो, तो अम्मा की बुआ, तो ये अभी याद है, अब अभी इनको याद आया। गाइस मैंने तीन चार दिन से व्लॉग नहीं किया ना, तो जरा मेरा टेम्पो आउट हो गया, तो खैर अब हम लोग जहाँ हैं टेटो, क्योंकि रात के 12 बजे सिर्फ यही खुला हुआ था, एंड इनका चिकन पार्मेजान जो है वो हमारा थोड़ा गिल्टी प्लेजर है, और मंडे को जो है हमारा एक बिग इवेंट बोल लें या हैपनिंग थिंग बोल लें वो भी है, तो हमने सोचा कि अब तो मंडे में इतना टाइम नहीं है, तो चलें थोड़ा खा लेते हैं आउट ऑफ द वो जिसके लिए हम डाइट कर रहे थे वो मंडे को ही है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर मंडे? Very excited. What's on Monday? कल की वीडियो में बताऊंगा अपनी। भाई हमारा खाना आ गया है और टेटो की जो पार्मेजान चिकन है that's absolute comfort food which we needed right now. Absolutely. गाइस हमारी टेबल के नीचे कितनी पाली सी मांव है, छोटी सी छोटी सी क्यूटी। तुम्हें पता है मुझे E7 में एक रैंडम बंदर मिला था बाहर खाना खाते हुए, जी आपने दिखाया था, एंड देन आई वाज स्केयर्ड।
इतनी भी पास नहीं है वैसे मार्गलेल से। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे टू ऑफ दिस व्लॉग। मैं जो हूँ आज काफ़ी देर से उठी हूँ, मेरी आँख खुल गई थी अराउंड 11 बजे, बट फिर मैं फिर से सो गई। तो आज बहुत कुछ है करने को, क्योंकि चलें बता ही देती हूँ, क्योंकि ये कल का वीडियो भी जो है इसी में शामिल होगी तो सरप्राइज़ तो रहेगा नहीं। तो कल हम लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं फॉर अलीज बर्थडे ट्रिप। कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग गेस करेंगे, ठीक है ना? तो कल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फॉर अलीज बर्थडे ट्रिप एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। और ये ब्रेक जो है मच नीडेड था, और हम लोग यही चाहते थे कि हम लोग जो है सारा स्टॉक ख़त्म करवा के ट्रैवल करें, ताकि हमारे पास कोई डिलीवरीज की झंझट ही ना हो। ऑब्वियसली हमारे पास अभी रेटिनॉल रहता है, जो कि हम लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ था कि हमारे पास 3 एक्स्ट्रा बॉक्सेस पड़े हुए थे, वो बाद में हमें नजर आए। तो अगर आप लोग रेटिनॉल ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप रेटिनॉल ऑर्डर कर सकते हैं, बिकॉज वही एक चीज़ है जो रहती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे वापस आने के बाद, ये होपफुली हमारे वापस आने से पहले ही डिलीवर हो जाएंगी और इन स्टॉक हो जाएंगी। हम लोग अपडेट भी करते रहेंगे ब्लिसफुल के इंस्टाग्राम पे, तो मेक श्योर कि आप ब्लिसफुल ब्यूटी पाकिस्तान को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वहीं सारी अपडेट्स होंगी, वहीं सब कुछ पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड ऑन इंस्टाग्राम। तो आज जो है बिफोर अलीज बर्थडे ट्रिप, हमें जो है मुझे और थोड़ी कंप्लेंट्स जो है वो सॉर्ट आउट करनी है। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास डब्बे नहीं थे, कुछ लोगों को लीक डैमेज इस तरह की चीज़ें मिली, तो वी हैव टू लुक इन टू दैट टू एंड सेंड देम न्यू वंस। और क्या कहते हैं हमारा जो लेबर, अब हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे, ऑब्वियसली 6,000 ऑर्डर डिलीवर किए ऑलमोस्ट, तो कुछ लोगों को गलत चीज़ें भी कही हैं, तो वी हैव टू लुक इन टू दैट टू। एंड मुझे जो है पार्लर जाके अपने ब्राउज और अपने बालों का कुछ कराना है, वो भी करना है। पार्मेजान चिकन की टेटो की फिर से आज बड़ी क्रेविंग हो रही है, तो आई विल सी अगर वो खाने का टाइम मिलता है वो खाना है। एक हफ्ते का कंटेंट शूट करना है, बिकॉज जब हम नहीं होंगे तो ब्लिसफुल के लिए कंटेंट शूट करना है, तो अ लॉट टू डू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी ज़रा मैं अपनी कॉफ़ी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो वो खा लूँ, वो पी लूँ। एंड साथ में जो है मेरे डेलिकेसीज के समोसे जो मैंने आपको बताए थे वो एयर फ्राई किए हैं, वो खा रही हूँ। देन आई एम गोना टेक अ क्विक शावर, फिर मैं जो सैलून जाऊँगी ज़रा वो सब करवा के, फिर रात में जो है कंप्लेंट्स को और कंटेंट वगैरह सब शूट करूँगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट विल ऑल बी गुड, होपफुली अगर अल्लाह ताला की मदद के साथ। तो चले जी, चलते हैं। आ के नमाज़ पढ़ के मैं ज़रा जा रही हूँ पार्लर, एज ऑलवेज इरम खान। और मुझे जो है ब्लो ड्राई कराना है, एक हेयर ट्रीटमेंट कराना है, अपनी आईब्रोज बनवानी है और मैनीक्योर करवाना है। तो चलें जी गाइस, मेरा एक बहुत ही अच्छा सा ब्लो ड्राई भी हो गया है, मेरे मैनीक्योर भी हो गए हैं, आईब्रोज भी बन गई हैं। मैंने उनको बोला तो था कि मेरा ब्लो ड्राई जो है ऐसा करे कि कल फ्लाइट तक मेरे लास्ट कर जाए, घर जाके मैं फिर भी जो हूँ थोड़ा हेयर स्प्रे कर लूँगी, बिकॉज मेरा जो हेयर स्प्रे वो थोड़ा टचेबल है सैलॉन्स का। नॉर्मली जो हेयर स्प्रे होता है थोड़ा अकड़ा देता है बालों को, बट लुक इट हाउ नाइस एंड वॉल्यूमेटिक मेरे बाल लग रहे हैं। अली का मैसेज आया कि मुझे टेटो नहीं जाना, मुझे कोई काबुल कबाब खाने जाना है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बट 10/10 फॉर इरम खान एज ऑलवेज। मैं तो भाई जब से इस्लामाबाद आई हूँ मैं और किसी सैलॉन का सोच भी नहीं सकती, एंड दिस इज़ अ जेन्युइनली स्पॉन्सर्ड रिव्यू। मैं अपनी सारी पेमेंट सारी सर्विसेज के लिए पैसे देती हूँ, लेकिन आई लव देम, दे आर सो सो गुड। और ये भाई बारिश भी हो रही है, बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी तक भाग के आई हूँ कि मेरे बाल ना ख़राब हों। लेट्स गो, घर चलते हैं। गाइस, अली हमजा को जो है मैंने पिक कर लिया, और ये बड़े मज़े से ना पैसेंजर प्रिंसेस बनने वाले थे। मैं बोला चुप करके आके गाड़ी चलाओ, आई डोंट वॉन्ट टू ड्राइव, और वैसे भी जो भी काबुल प्लेस है ना उसका तुम्हें ही पता है, तो तुम चलाओ, आई विल जस्ट सिट हियर एंड आई विल बी द पैसेंजर प्रिंसेस। मैंने तो बोला भी नहीं कुछ, आई डोंट इवन। आर यू एक्साइटेड? Yes, for tomorrow. Very excited, guys. Big news coming up tomorrow. अजी मैं बता चुकी हूँ कि हम ट्रैवल करें, डेस्टिनेशन नहीं बताई मैंने। ओह, डेस्टिनेशन आप लोग अली के व्लॉग में देख लीजिएगा, ठीक है ना? डेस्टिनेशन देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के कोई गेसेस करने हैं तो कर लें, आई एम ओपन टू योर गेसेस, देखते हैं क्या गेस करते हैं लोग। ये अली का जो है नई डिस्कवरी है, सॉर्ट हुआ हुआ काबुल मजार कहाँ पे? देखें F7 मरकज में जो काबुल F7 है ये? नहीं नहीं ये जीना है ना। अच्छा, F7 मरकज में हम काबुल रेस्टोरेंट में जो खाते हैं, अब वो जितने भी अफगानी तिक्के खुले हैं वो उतने मॉइस्ट या उतने बटरी नहीं रहे। सो मैंने किसी ना एक फूड ब्लॉगर है, तो मैंने उनकी कोई पोस्ट वोस्ट देखी, मैं पहुंच गया। मुझे वापसी पे टेटो का वो भी पार्सल करवा के दो, मुझे जाने से पहले। काबुल मजार पीछे चला गया, पीछे चला। हाँ ओ
लोग आ गए हैं अली के काबुल मजार पे, बहुत ओवरएस्टिमेट किया वैसे हमने। ये रोश है अभी आया है, वो काबली पुलाव है, ये राजमा हमेशा देते हैं साथ रोश के, लोबिया तो जरा लोबिया सॉरी। तो अभी हमारे टिक्के शिक्के आने हैं, हमारे टिक्के भी आ गए हैं। मैंने बहुत बड़ा गाइस क्लेम किया अली हमजा की हाइप्ड जगह काबुल तो बेहतर है, ये काबुल तो बेहतर। चलो देखते हैं, अनिया बताएगी आपको। अच्छा जी गाइस, सो माय रिव्यू, खाना जो है वो बिल्कुल काबुल जैसा ही था, लाइक टिक्के बिल्कुल काबुल जैसे थे। पुलाव ऐसे नहीं लगा कि पुलाव अगर अगर रखे रहे टिक्कों को तो वो जैसे पापड़ नहीं बन जाते, सख्त रबड़ी नहीं हो जाते, तो वो तो काबुल के भी नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। तो खाना जो है बिल्कुल सेम था, वैरायटी थोड़ी, लोकेशन और जो क्या कहते हैं अवाम है वो काबुल की ज्यादा बेहतर है। बाय अवाम आई मीन कि यहाँ पे जो है बहुत मेन डोमिनेंट गैदरिंग थी, आदमी ज्यादा है, मेन डोमिनेंट बहुत ज्यादा है, आदमी बहुत ज्यादा है काबुल में, जरा फैमिलीज के बीच में ज्यादा बैठते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं तो प्रेफर करूंगी काबुल, काबुल कंसिडरिंग के खाना बिल्कुल सेम ही मिल रहा है आपको। तो जी अब सीन ये है कि हम जा रहे हैं डालिया, डालिया जो है लाहौर का एक रेस्टोरेंट, लाहौर का एक रेस्टोरेंट है जो कि इस्लामाबाद में भी रिसेंटली खुला है, उनके डिजर्ट्स मुझे बड़े पसंद हैं। एक्चुअली का एक ही डिजर्ट मैंने ट्राई किया था, देखने दो ना सबर, लाहौर में मैंने उनकी ब्रेड पुडिंग ट्राई की थी, बहुत मजे की थी, बट सिंस अली को ब्रेड पुडिंग नहीं पसंद और हमें एक डिजर्ट शेयर करना था, अली को डालिया का खाना इन जनरल अच्छा नहीं लगा, हम खाने के लिए नहीं जा रहे, हम डेजर्ट के लिए जा रहे, डेजर्ट भी खाई थी हमने वहाँ पे, तो डेजर्ट मजे की थी, तो तुम्हें ब्रेड पुडिंग नहीं पसंद इसलिए नहीं अच्छी लगी। हम जा रहे हैं डालिया, हाँ तो मैंने कब बोला हम वही करते हैं तुम चाहती हो, हाँ मैं तो मैं चाहती थी नहीं आज G9 के टिक्के खाना, हाँ। मुझे तो टेटो जाना था, तुमने बोला आई डोंट माइंड बिकॉज़ यू वांटेड टू गो बिकॉज़ आई एम सच अ कॉम्प्रोमाइजिंग वाइफ। अली ऐसे नहीं देखो यार, तुम मुझे बहुत बुरा फील कराते हो, सही बात है, नहीं जाना मुझे डालिया, 90% ऑफ द टाइम्स वी डू व्हाट यू वांट, दैट्स बिकॉज़ व्हाट आई वांट इज व्हाट एवरीवन वांट्स, 10% में मेरे बेचारे की बात कन्विंस मुझे करना है। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कल जो है टेटो जाने का भी आइडिया अली का ही था, सही है, और क्या कहते हैं आज ये काबुल जाने का भी प्लान अली का ही था, हम उस दिन KFC जाने का भी प्लान इसी का था, हम सब इससे पूछ के करते हैं, मैं तो इंडियन शोज ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ ताकि ये देखे और वी डू व्हाट आई वांट टू डू। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अच्छा रॉकी रानी तो मेरे कहने पे देख रही थी ना, फसूल हुआ, अच्छा मैं आप लोगों गाइस वैसे रॉकी रानी जो है ना, आई एम सॉरी अगर हम लोगों को हेट मिले, लेकिन हमें तो शदीद ओवर हाइप्ड और लेम लगी, वी फील लाइक शुरू के 1.5 घंटे तो मूवी फजूल तरीन थी, आधा घंटा ठीक है, चीटिंग को शदीद ग्लोरीफाई किया हुआ था उसमें, और जो बिल्कुल आखिरी कोई आधा घंटा 40 मिनट है ना, उसमें मूवी ने थोड़ा पेस पिकअप किया, और वो भी ये कि ओवरली सेंटी जब आपको लोग कर देना तो वो आपको पसंद आना शुरू होता है, तो हम दोनों ओवरली सेंटी होकर रोना शुरू हो गए थे, तो इसलिए हम लोगों को जो ना हमने मूवी को 5 out of 10 देते, वो 5 सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सेंटी हुए थे, बाकी पता नहीं किस चीज की हाइप थी मूवी में, इट वॉज नॉट फनी, इट वॉज लाइक इधर करो वो डिस्क्लेमर, पुरानी बातें ना, तो मेरी बात काटने की इतनी आदत है इनको, तो खैर बोलो नहीं तुम समझ रहे हो, तुम्हारी वाली साइड लोगों को पता लग जाएगी ना कि तुम ऐसी बीवी हो, कैसी बीवी हूं मैं, ऑप्रेसिव। अच्छा गाइस देखें, मैं आपको ना डिस्क्लेमर दे दूं, हम गंद नहीं खाते बाहर से इतना, ठीक है, ये भी कुछ दिन है जिसमें हमने हम ना जिम जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को हमने निग्लेक्ट किया हुआ है गाइस, मेरा अग्रेसिव कट भी पता नहीं कहां गया, हालांकि उस अग्रेसिव कट की वजह से मुझे, मतलब अग्रेसिव कट की वजह से नहीं, लेकिन मैं जब कराची गई तो मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि मेरा वजन कम हो गया एंड आई लुक वेरी थिन एंड ऑल, बट जब से ब्लिसफुल का लॉन्च हुआ है तब से तो हमारी हेल्थ ने लिए बैक सीट, हम लोग ना वर्कआउट कर पा रहे हैं, जब हम वर्कआउट नहीं कर पाते तो हमसे डाइट भी नहीं मेंटेन होती, और कोई एग्जैजरेशन भी नहीं है इसके अंदर, मतलब आप लोगों को अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि हम बहुत बिजी थे, मतलब लोग बोलते हैं यार घंटा दो तो निकल आएगा, भाई साहब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़ी मुश्किल से बाथरूम जाने का भी टाइम मिला, सब थोड़ा ज्यादा हो गया, खाना खाने का भी टाइम मिला, नहीं हाँ खाना वाकई में गाइस, खाना खाने का तो हमें बड़े मुश्किल से टाइम मिलता है, हम सुबह उठते ही नीचे चले जाते हैं, दो बिस्किट खाए और क्या कहते हैं, आज भी जब मैं पार्लर से वापस आ रही थी तो मैंने अली को बोला कि अली टेबल पे ना समोसे पड़े हुए मैंने निकाले थे बट मैंने एक ही खाया है, तो तुम्हें अगर खाने तो खा लो, तो अली ने मुझे बोला कि
मैंने जो है आज कुछ नहीं खाया, अपने अंडे भी नहीं खाए. और अली के लिए अंडे ना खाना इज सच अ बिग डील, सच अ बिग डील, बिकॉज चाहे हम वेकेशन पे हो, चाहे अली डाइट पे हो या ना हो, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लोगों को याद होगा लाहौर में अली लिटरली उबले हुए अंडे खरीद के खाता था. तो अली के लिए अंडे खाना इतना जरूरी है. जब उसने बोला ना मैंने अंडे नहीं खाए हुए, एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ ही सेड मैंने कॉफी भी नहीं पी हुई. मैंने बोला हाय मेरा बेचारा बच्चा, मेरा बेचारा भूखा बच्चा. कल से ये कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, ये लिटरली समझे स्लीपिंग सूट था मेरा, जो कल का भी दिन मैंने पहना और आज भी, ठीक है. एंड जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा यार, लाइक शाउट आउट टू ऑल बिजनेस ओनर्स, वाकई सीरियस, मतलब वी ऑलरेडी रन अ बिजनेस बट बिकॉज इट्स रिमोट तो हमें ऑफिस में फिजिकली बैठने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उतना ज्यादा हमें वो नहीं करना पड़ता. बट अब ये ब्लिसफुल करने हम जा कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है कहां है? मैंने देख लिया कहां है, खान रोड F6? F6 में. तो, किस चीज की जगह खुला है? आई हैव नो आइडिया. मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बिजनेस रन करना एक बहुत मुश्किल टास्क है. और नौकरी वाले मुझे बोलते थे ना पहले के यार लेट फारिग होते हैं, टाइम नहीं मिलता. मैं कहता था क्या ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जनरली आई फील यू गाइस. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज कंटिन्यू रहेगी. क्या वेब पे मिला इसको एप्पल वॉच को? लेकिन सीन ये है कि विद टाइम जैसे जैसे फ्लो तेज हो जाएगा ना, एम्प्लॉई ज्यादा आ जाएंगे, काम ज्यादा डिवाइड हो जाएगा. क्या बोलते हैं, तो हमारा जो बेसिकली फ्लो है अपनी हेल्थ का भी, वो भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. गाइस बेसिकली अली जो है एक बात को ना 2 मिनट की बात को 15 मिनट खींचता है. जस्ट ये है कि हम लोग डाइट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा. एंड शाउट आउट टू ऑल बिजनेस ओनर्स, हमें अब जाके पता चला है कि जो रिटेल वाला बिजनेस होता है बड़ा मुश्किल होता है. सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर मैनेजिंग इट सो परफेक्टली. एंड आप लोगों से अब डालिया में ही मुलाकात होती है विद आवर वेरी यम्मी डिजर्ट. हम लोग आ गए हैं डालिया, एंड अनफॉर्चुनेटली इनका लाहौर का डिजर्ट मेन्यू डिफरेंट है और यहाँ पे बड़ा लिमिटेड है. तो हम लोगों ने 3 मिल्क केक ऑर्डर किया चॉकलेट, वो आपको ट्राई करके बताते हैं कैसा है. इन साहब को शिकार पूरी जाना था. डोंट टच माय नोज, यू आर मेकिंग फन ऑफ माय नोज. ये 3 मिल्क आ गया है हमारा, इसके ऊपर नुगट भी है, नुगट क्रंची नुगट टेस्ट टेस्ट. बेटर देन डिलीजिया? नो, हमारा कोई इतना अच्छा फूड डे नहीं चल रहा. क्योंकि 3 मिल केक वॉज वेरी नाइस बट लेयर्स जैसा नाइस नहीं था. हाँ हमने बेहतर खाया हुआ है. हाँ नम्स केकरी का तो बेस्ट. गाड़ी भूल गए थे हम लोगों ने कहाँ पार्क की है. सो वी वर सेइंग के नम्स केकरी का जो 3 मिल केक ना, लोटस 3 मिल केक, उसकी तो बात ही कुछ और है. उसके केक के बाद से ना हमें 3 मिल केक से प्यार हुआ था. खैर कमिंग बैक, द 3 मिल केक वॉज नाइस. नेक्स्ट टाइम हम लोग इनका खाना ट्राई करेंगे, फिर आप लोगों को रिव्यू करेंगे. रिव्यू अब जरा घर जा रहे हैं, फ्लाइट से पहले बहुत काम है पैकिंग इंक्लूडेड, तो वो जरा खत्म वतम करके फिर पैकिंग करते हैं. 3 बजे और हम अभी तक कंटेंट फिल्म कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें पैकिंग भी करनी है. सुबह 6 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है. तो ये हम लोग ज़रा अनबॉक्सिंग ASMR वीडियो बना रहे हैं. ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैमरा सेटिंग लाइट सेटिंग क्या रखें. एंड हिज बिग कैमरा हैज़ कम आउट. सर जी जी, पैकिंग भी करनी है. बैकिंग जी जी, बैकिंग भी हो जाएगी. चेक करें सॉफ्ट बॉक्स में इतनी अच्छी लाइट मिलती है, सॉफ्ट सी, नॉट हार्श एट ऑल. चलें जी गाइस, फाइनली डन विद ऑल द काम शाम. अब हम लोग जा रहे हैं पैकिंग करने के लिए. ये साहब तो बोल रहे हैं इज गोना टेक अ नैप, बट आई कांट स्लीप अनलेस आई हैव पैक्ड, सो आई हैव टू पैक फर्स्ट. चलें जी, पैकिंग शुरू हो गई है. इट्स बिगिनिंग, समवनस बर्थडे ट्रिप इज बिगिनिंग. Wow, you're so excited for your birthday trip. चलें जी गाइज, हम लोग जो हैं पैकिंग वगैरह करते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी अब हमारी डेस्टिनेशन पे,
बाकी का ट्रैवल व्लॉग जो है आप लोग अली का देख लीजिएगा, बिकॉज़ ही इज रियली गुड एट दैट, और मुझसे भाई एयरपोर्ट शेयरपोर्ट पे व्लॉगिंग नहीं होती. तो सी यू गाइज, बोलने लगी थी मैं डेस्टिनेशन, एट द डेस्टिनेशन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.